काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई खत्म। जोधपुर सेशन कोर्ट जमानत पर कल सुनाएगा फैसला। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने की शानदार वापसी। दूसरे मैच में मलेशिया को 4-1 से मात देकर अपनी पहली जीत दर्ज की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर संजीता चानू ने देश को दूसरा गोल्ड दिलाया। वहीं पुरुष वेटलिफ्टिंग में दीपक लाथेर ने 69 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सलमान खान के वकील को दी गई धमकी, कहा कि अगर बेल के लिए अप्लाई किया तो मारे जाओगे। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी आज मना रही है 38वां स्थापना दिवस। 6 अप्रैल 1980 को हुआ था गठन। मुंबई शहर में देर रात एक महिला से लोकल ट्रेन में छेड़छाड़ का मामला आया सामने। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मलेशिया सरकार ने सुनाया अजीब फरमान, बीफ की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए गायों को सुनाई जाएगी कुरान। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे अरुण जेटली, राहुल गांधी ने की जल्द ठीक होने की कामना। बजाज ने बंद की पल्सर 135 की बिक्री, पिछले कई महीनों से ये बाइक नहीं कर रही थी अच्छा कारोबार। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ गया है ट्रेड वॉर, ट्रंप ने कहा चीनी उत्पादों पर लगेगा $100 अरब का अतिरिक्त शुल्क।